कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर में बीते सोमवार को रामगढ़ताल इलाके के भगत चौराहे निवासी प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र यादव को गलतफहमी में गोली मारी गई थी। पुलिस ने इस मामले में दरोगा पुत्र समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कुछ आरोपित फरार हैं जिनकी तलाश में दबिश जारी है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कूड़ाघाट आवास विकास कॉलोनी निवासी अविनाश सिंह, उसका साथी शुभम राव, सुमित चंदेल, प्रज्वल सिंह, विक्रांत पासवान, आदर्श शुक्ला और दरोगा के एन शाही का पुत्र प्रिंस शाही के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 बलेनो कार और 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 2 गुटों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में एक गुट ने पड़ोर राय को गलतफहमी में विरोधी पक्ष का समझ लिया था, जबकि उसका किसी गुट से लेना देना नहीं था। सोमवार को 2 गुटों में विवाद के दौरान संयोगवंश पड़ड़ौ अपने मित्र जितेंद्र यादव के साथ उधर से गुजर रहा था कि हमलावरों की नज़र उस पर पड़ गई, फिर दौड़ाकर उन्होंने जितेंद्र यादव को गोली मार दी। वहीं बृहस्पतिवार को एसएसपी योगेंद्र कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अविनाश सिंह और मोतीराम अड्डा निवासी शुभम सिंह सिंघाड़ा के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा है। बीते 20 सितंबर की सुबह पाशा रेस्टोरेंट में अविनाश सिंह और सुमित चंदेल मौजूद थे। इसी दौरान देवरिया के बरहज निवासी शुभम सिंह और प्रज्वल सिंह साथी के साथ पहुँच गए। अविनाश पक्ष के इन लोगों ने पिटाई कर दी। मामला पुलिस चौकी पहुंचा था, जहां सुलह समझौता के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उस समय वहां पर रामगढ़ताल इलाके का निवासी पड़ोर राय भी मौजूद था, जिसे शुभम पक्ष ने अविनाश का साथी समझ लिया था। इसी बात को लेकर गलतफहमी में मारी गई गोली से जितेंद्र यादव घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि इस घटना में 7 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 बलेनो गाड़ी और 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसएसपी योगेंद्र कुमार ने दावा किया है कि फरार चल रहे अन्य आरोपियों को भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। साथ ही 2 आरोपितों पर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है। जल्दी गिरफ्तारी नहीं होने पर इनाम की धनराशि बढ़ाई जाएगी। घटना के खुलासे के दौरान एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुभ और सीओ कैंट सुमित शुक्ला मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी योगेंद्र कुमार ने कहा, लेकर के और सीसीटीवी टेप को भी इसमें लगाएंगे,
ताकि इनको सजा मिल सके और दोबारा ऐसा कोई हिमाकत करने की कोशिश न करे, खलियाम न करे या भारी न करे। जो सिंगाड़ा का ग्रुप है उसमें शुभम भरत और उसके चार पांच साथी है, तो ये अज्ञात उसमें लोग जांच कर रहे हैं, फोन पर लोग हैं, वो यहाँ के भी हो सकते हैं और बाहर जिले के भी हो सकते हैं। तीन चार लोगों का नाम हमारे संदिग्ध लिस्ट में है, लेकिन अभी उन लोगों ने फाइनल इसलिए नहीं किया है कि उनकी कॉल डिटेल्स और वो चीज़ें नहीं मिली, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के बाद उन लोगों का नाम फाइनल किया, तो उसमें अभी वांटेड की लिस्ट बढ़ सकती है। सिंगाड़ा रजवल शुभम भरत और ये जाकिर खान जो पासा का मैनेजर है, ये भी वांटेड थे और इनको अरेस्ट किया गया। विक्रांत पासवान भी इसी गैंग का है और इसी ग्रुप का है जो अरेस्ट है। हम लोग इसमें दो तीन चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, उसमें जो मैंने बताया कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज को इन्वेस्टिगेशन का आधार बना रहे हैं, जैसा आप लोगों ने पेपर में छापा भी और पेपर में यह मैसेज भी किया है कि यह बहुत बड़ी बदमाशी की है, लोगों ने दहशत फैलाने का काम किया, पब्लिक को डराया है और जो शहर का शांत माहौल है उसको लॉ ऑर्डर को बिगाड़ा है। लॉ ऑर्डर दो तरह की चीज होती है, सिर्फ धरना प्रदर्शन लॉ ऑर्डर में नहीं आता है, पब्लिक लॉ ऑर्डर जो है वो ये चीज़ इन्होंने बदमाशी की, पब्लिक लॉ ऑर्डर को बिगाड़ने की, मतलब जो पब्लिक शांतिपूर्ण लाइफ अपनी जी रही होती है और उसको डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करता है और ये लोगों ने यह काम किया है, इसीलिए इनके विरुद्ध कठोर सजा और कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऊपर हमने इनाम घोषित किया प्रतिशत का, जो पुलिस उसको इनाम को बढ़ाने के लिए डीआईजी साहब को भेजा जाएगा अगर ये अरेस्ट नहीं होते हैं दो तीन दिन में, कोशिश हमारी जारी है वो जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। मोबाइल सर्वेलांस को भी आधार दिया गया है, अपराधियों का सर्वेलांस के आधार पर हम लोग इनके डिटेल्स को पता लगा रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कौन कौन लोग इनके शरण आता है, किस किस लोगों से इनके संपर्क है और ये लोग किस स्तर पर और कितनी इनकी क्षमता के उनकी खुलेआम खाली करते हैं, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको हम लोग इस पर एनएसए की कार्रवाई सोच रहे हैं और एनएसए की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एनएसए की सब इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं। पूरे शहर को इन्होंने लगभग 24 घंटे तक तमाशा बना के रखा है, जिसमें इन्होंने मार्केट के लिए अलग अलग जगहों पे पासा रेस्टोरेंट, चंपान रेस्टोरेंट और उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके बाद में मोदी और जो हमारे शहर की मेन लाइफ लाइन सड़क है उसको डिस्टर्बेंस का प्रयास किया है पूरा 24 घंटे। कई लोगों ने उसको देखा भी है और कई लोगों से हम लोग बयान ले रहे हैं, वहाँ जितनी भी दुकानें हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है, हम उन लोगों के दुकानों के नाम और दुकानों के मालिकों से बात कर रहे हैं, आपकी पेपर कटिंग को ज़्यादा बनाई है। गैंगस्टर जो है वो अवश्य लगे रहेंगे, जिन्होंने इस तरीके की काम किया है पूर्व यूनिवर्सिटी जिन लोगों की है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले अगर क्राइम की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और असलाह का प्रयोग करेंगे तो कार्रवाई इस तरीके की होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अपने आप शांति से करें, बैठ कर करें, काम करने और व्यवसाय करने में किसी को मना नहीं है, लेकिन व्यवसाय का आधार अगर घरों का या बंद नहीं होगा तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। कोई भी खुलेआम मनमड़े या धनवाई दिखाएगा तो उनके खिलाफ यही कार्रवाई होगी, यह इसका उदाहरण है जो हम लोग देना चाह रहे हैं, क्योंकि मनमड़े और धनवाई हम लोग देखते रहते हैं कि शाम को बैठ के शराब पीना शहर में बीचों बीच सड़कों पर, इनकी हम चेकिंग कराने आगे आने वाले हैं। जितने रेस्टोरेंट होटल और ढाबे हैं शहर में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करेंगे, उनकी चेकिंग करेंगे कंटिन्यूस कि वहाँ पर कैसे लोग आते हैं और कंटिन्यूस वहाँ आकर के कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पासा रेस्टोरेंट में मैनेजर की संलिप्तता पाई गई है गूगल में, तो यह बड़ी गंभीर विषय है सभी रेस्टोरेंट और होटल मालिकों के लिए और ढाबा मालिकों के लिए कि उनके लोग कहीं अपराधियों को पनाह तो नहीं दे रहे हैं, वहाँ बिठा करके अपराध की वहाँ पर कोई गाथा तो नहीं दी जा रही, इसीलिए होटल्स रेस्टोरेंट और जो जितने भी हमारे ढाबा है उनके मालिकों से जो अच्छी तरह से चला रहे हैं उनके मालिकों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके के अगर मनमड़े क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी हो, वहाँ चेकिंग भी हो, टेस्टिंग भी हो, जनरली 5-स्टार होटल्स और 4-स्टार होटल्स में टेस्टिंग के बाद ही अंदर आदमी जाता है। पता यह भी लगा कि जो एनसीआर जनरली पासा रेस्टोरेंट वाले केस में चंपारण वाले हैं वहाँ पर इनके पास असला था, एक आदमी के पास जो बरामद भी हुआ है, असला लेकर के रेस्टोरेंट या ढाबे में कोई आदमी प्रवेश कर रहा है
तो ये रेस्टोरेंट जो व्यवसाय चलाना उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ गार्ड भी तैनात करें और चेकिंग सिस्टम भी कराए कि वो अंदर कोई ऐसा क्रिमिनल तो आपके यहाँ पे नहीं बैठा, उनको कोई परेशानी हो होटल ढाबा या रेस्टोरेंट वालों को तो हमें कॉल करें और बताए। अगर वहाँ छोटी सी मारपीट हुई है तो पुलिस को सूचना दें कि साहब हमारे यहाँ ये बदमाशी करी इन्होंने, और पुलिस को कहने के बावजूद यहाँ ये हमारे नंबर पर करें, चाहे 100 पे करें, 112 पे करें, अधिकारियों को करें, SHOs को करें, चौकीदार करें, सबको करें, लेकिन जरूर बताए ताकि हम लोग उन पर कार्रवाई कर सकें। यहाँ पर पासा रेस्टोरेंट से दी नहीं क्योंकि पासा रेस्टोरेंट की तो संहिता थी, चंपारण के यहाँ से भी हमें कोई सूचना नहीं मिली। ये भी हम देखेंगे कि पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वह हमें सूचना दे कि इस तरह की घटनाएं हुई है या बदमाशी की जा रही है। खुलेआम फायरिंग का मतलब या खुलेआम फायरिंग करके मनमड़ाई और दहशत फैलाने का मतलब 307 को इन्वाइट करना है धारा और कार्रवाई होना है, या लोग जो भी मनमड़ाई करने की कोशिश करेगा तो उसमें कार्रवाई होगी अनिवार्य रूप से। असला लहरा के चलना, असला को लेकर चलना, अगर लाइसेंसी भी है तो उनको सिर्फ लाइसेंस धारी लेकर चल सकता है, जो अपने पास नियमानुसार जो शर्तें हैं उसकी लाइसेंस की उसी तरह से चलता है। अभी असला की तो कार्रवाई है ही है, प्लस अगर इस तरह की घटना में शामिल मिलेंगे तो कार्रवाई होगी। हम इसमें असला जो सप्लायर है वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, कौन असला सप्लायर है जिन्होंने इसको असला प्रोवाइड कराया और जिले में कौन कौन असला अवैध असला प्रोवाइड करा रहा है, अवैध असला को बेचने का काम कर रहा है, या इनको बाहर से कैसे ला रहे हैं, तो वहाँ तक भी जाएंगे। अपराधी जो भी हो उसको शरण जो भी दे रहा है, जो भी वांटेड हमारे हैं, वो जिसके भी घर में रहेंगे आज के बाद, अब हम सर्वानंद से भी जिले निकालें और जिले निकालें, चाहे वो गोरखपुर जिले में हो चाहे अन्य जिले में, अगर वो किसी के यहाँ रहा हुआ पाया जाता है तो वो भी CRPC की धारा 216 का मुजरिम होगा आज से आगे, क्योंकि 125,000 का इनाम घोषित है। और अगर वो किसी भी शरणदाता के रूप में कहीं पर भी वो है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और यह चीज़ें पता लग जाएगी कि किस जगह वो रुका और किस किस की जगह उसने खाना खाया, अगर उसको ज्ञान होते हुए भी उसको शरण दे रहा है। दमन गई और जो इसमें मुंजिम बने हैं इनके आर्थिक स्रोत को भी चेक करें हम लोग कि इनको जो जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम काफ़ी लोग कर रहे हैं इसमें से, कि इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए पैसा इनके साथ कौन लगा रहा है, 100% अमीर पैसा लगा रहे हैं उनके लोग, उसको भी हम चेक करेंगे, अगर वेट लगा रहे हैं तो फिर जो चेंज पेमेंट होगा बैंक डिटेल्स चेक करेंगे। सोशल मीडिया की नज़र रखने में ऐसे लोगों के चिन्हित करेंगे मनमड़ा और धनों को थाना वाइज कि आपके एरिया में कौन लोग हैं जो मनमड़ाई और धनगाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकों के लिए मैंने बताया आप लोगों को, NCR में मैंने पहले भी जैसे बताया मार्केट और NCR में समझौता जो भी केस हुआ था, समझौता किसी भी शुरू में स्वीकार नहीं होगा NCR में, हम लोग कार्रवाई ही करेंगे, निरोधात्मक जो अराजक पक्ष है उसी पर कार्रवाई होगी और निरोधात्मक कार्रवाई अवश्य होगी। किसी को भी समझौते और सुलह का ना तो IPC CRPC में कोई अवधारणा है ना जो उसका मतलब है। फुटेज जो CCTV लगाने के बाद भी पासा रेस्टोरेंट में फुटेज को डिलीट करने की कोशिश करी है या CCTV फुटेज वहाँ से हटाए हैं तो फिर उसको उसके लिए उनको साक्ष्य होगा, उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग शहर के वासिंदों के लिए और पब्लिक के लिए यह भी संदेश देना चाहते हैं, इस मनमड़े में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ने वाले भी थे, कुछ इंजीनियर कुछ CA का काम भी कर रहे थे, हालांकि उम्र थी 24-25 साल के आसपास कह सकते हैं, 22-23-25 साल के बच्चे भी हैं, बच्चे या लड़के कहेंगे क्योंकि वो टीनेजर से तो मिले कुछ हैं, लेकिन लोगों को अपने माता पिता को भी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अपना बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे 170 का बच्चा जिसके यहाँ पर रात्रि में ये दिल्ली में भी आया था काम में, रात्रि में तजल जो इसमें वॉन्टेड है ये वहाँ जाके असंगीरता है, वो उसमें जाकर के वहाँ पर दरोगा जी के घर पे रात में रहता है और वहीं पर थोड़ा मोटा काम भी मिलता है लोगों को, सुबह क्या करना है लोगों, फिर दरोगा जी के बेटे की वाइफ मिलती है, ये सब चीज़ें तो माँ बाप को भी देखना होगा, इसके अलावा भी माँ बाप को देखना होगा जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो बच्चे कर क्या है। एक और हम लोगों को सूचना मिली यहाँ पर, मैंने देखा भी सड़क पर बर्थडे मनाया जाता है, लोगों का सड़क पर बर्थडे अगर मनाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, बर्थडे कोई सड़क बर्थडे के लिए नहीं,
ये बड़बड़ाई और धनोगाई का सीधा उदाहरण है। बर्थडे अपने घर में मनाए, होटल में मनाए, रेस्टोरेंट में मनाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज नॉट द प्लेस, द रोड इज नॉट द प्लेस फॉर। या इवन मैंने बहुत अच्छे से आगे की जगह ली थी, वहाँ भी एक बर्थडे मना रहा, तीन चार दिन पहले बात है, क्या मान मना रही, उनको बगाया वहाँ से। तो माता पिता को भी देखना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि हम लोग किस तरीके की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर नजर रखनी चाहिए। स्वतंत्रता बच्चों को जरूर दे, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि अब ये असला लेके चले जाए, ये चीज़ जरूर देंगे। मेरा इतना ही कहना है कि किसी का भी फ्यूचर जो है ना, वो स्वयं आदमी डिसाइड नहीं करता है, उसकी हैबिट्स डिसाइड करती है फ्यूचर, और हैबिट्स जो है वही आपका फ्यूचर बन जाता है। तो हैबिट्स अपनी अच्छी रखें, लोग गुड हैबिट्स रखें तो मेरे साथ जाता है। हाँ, जितेंद्र यादव जो है वो आपराधिक इतिहास जरूर है, उनका पीड़ित है, उनका आपराधिक इतिहास जरूर है, हम लोग उसकी पहचान कर रहे हैं। हालांकि जितेंद्र राय की, जितेंद्र और प्रवीण जी की हम पॉलिटिक्स जुड़वाएंगे कि अगर वो पहले रहे हैं, लेकिन अभी तक की सूचना यह है कि जो एनसीआर प्रवीण राय के सर पे चोट है उसके, और उसी के हाथ में ये कोटन थोड़ी ये पता लगा है, और उसके सर पे पट से मारा गया ये पता लगा है अभी तक की जाँच में। तो उसमें प्रवीण राय एनसीआर में पीड़ित नजर आ रहा है क्लियर कट, और इसी वजह से शायद सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए हैं पासा के, पासा रेस्टोरेंट के द्वारा। और जितेंद्र यादव के लिए ये शहर में कब आया, क्योंकि पहली घटनाओं में नहीं नाम नहीं है, और इस दिन इस पूरी तीन चार घटना जो पहले रही उसमें नहीं आया, शहर में कब आया, किसके बुलाने पे आया, ये सब चीज़ें जांच का विषय आज की तारीख में उठी। ये बात है कि जो उसके हाथ में चोट लगी है जितेंद्र के, उसी के मंचे से लगी है, इसकी जांच कर रहे हैं वो, इसमें फॉरेंसिक साइंस और एफएसएल को भी हम मदद लेंगे कि क्योंकि वो पीड़ित है, अभी भर्ती है, डिस्चार्ज होने के बाद इसमें भी हम लोग जाँच करेंगे कि वास्तव में क्या ऐसी स्थिति थी। तो वो चीज डॉक्टरों की, जो डॉक्टर जो भी इलाज कर रहे हैं उनसे भी पूछ लिया। अब ये चीज़ें हम नहीं बोलेंगे, तो किसी के पब्लिक, किसी के भी मोमेंट में अपराधी वो हो सकता है, इसका ड्राइवर अपराधी लगता है, लेकिन किसी के माँ बाप का बिल्कुल नहीं लगता। हम ये भी कहेंगे कि दरोगा का नाम भी मेरी तरफ से ना लिखा जाए। तो सर चीज़ें हम काम कर रहे हैं, और अभी एक दो लोगों को जो हमें तीनों लाइन में हमारे पास है आदमी, तीनों लाइन में हमारे नहीं हो, मैं अभी तक कॉन्क्रीट चीज पर नहीं पहुँचे हैं, एग्जैक्ट कॉन्क्रीट चीज पर पहुँचे आप एग्जैक्टली जैसे हम मिले मिल रहे हैं कि क्या बात है। सर सुपारी देकर क्यों घटना करेंगे कर रही है, अब इसको डेफिनेटली नहीं कह सकता मैं, जब तक कि आपको सामने, हमारे सामने तो शूटर नहीं आ जाता है, या जिन्होंने गोली मारी जिस आदमी को, सामने आने पर ही हम लोग ये चीज़ बता पाएंगे कि ये इस पर सत्ता मारने के लिए गोली मारने की है, ये चीज़ हम लोग बता पाएंगे। ये थाना कैंट एरिया में घटना हुई थी फायरिंग की, उसमें अरेस्टिंग की गई है 7 लोगों की, जो दोनों गुटों के प्रमुख लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है, 2 भी वांटेड है जिनके ऊपर 25,000 का इनाम है। हम लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, और अन्य की पहचान कर रहे हैं, जो भी इसमें शामिल रहा है या इनके पीछे रहा है उनकी भी हम पहचान कर रहे हैं। 7 लोगों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें 2 मुकदमे कायम हुए हैं, जो फायरिंग उन्होंने की थी उसमें 307 की FIR लिखी गई है, पीड़ित की स्थिति ठीक है और वो खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त एक दिन पूर्व इन्होंने पहले लड़ाई की थी जिसमें NCR दर्ज थी, उसमें भी 307 में वो तरमीम की गई है, क्योंकि उसमें भी असला का यूज़ किया गया, ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, और गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस तरह का अपराध करके और दहशत फैलाने का काम किया है। 2 गुट हैं, छात्रों के ही गुट है मेनली, जो विवाद इनके बीच आपस में जो विवाद है वो मारपीट को लेकर के हुआ है, और पहले ये दोनों आपस में साथ ही रहते थे, मनबढ़ई एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि मैं सुपीरियर या वो सुपीरियर, इस तरीके की सुपीरियरता की का ही विवाद है जो मारपीट को लेकर के और बढ़ गया है। देखिए ऐसा है कि इसमें जो घटना में जो भी पुलिस ने लापरवाही बरती थी, जिन पुलिसकर्मियों ने, उनको निलंबित कर दिया गया है पहले ही, 2 दरोगा उसमें लापरवाही उनकी पाई गई कि उन्होंने समझौता करा के 2 लोग पकड़े थे उनको छोड़ दिया, और उसी वजह से घटना ने बड़ा रूप लिया। हमने सभी SHOs को और CEOs को निर्देशित किया है कि मारपीट की अगर सूचना मिलती है कहीं पर भी और किसी भी स्थिति की, तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, इसमें कोई सुलह समझौता की कोई गुंजाइश कोई CRPC IPC देती नहीं है। तो मारपीट और संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध जो भी पुलिस को सूचना मिले
उसमें निरोधात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए। इसमें एक शुभम सिंह सिंगाड़ा जो अभियुक्त है, इस पे दो लूट के मुकदमे पहले से है और एक और अपराधी है उस पे भी लूट के मुकदमे हैं और चोरी के मुकदमे हैं। इसके अलावा अन्य का आपराधिक इतिहास नहीं है।